छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। अरे रिजा, मैं बाहर टहल रहा था भाई। क्यों, तुम्हारे दिल घर में नहीं लगता क्या? क्यों, क्या हो गया यार रिजा तुम्हें? तुम बताओ घर में दिल लगाने वाले कौन है ऐसा? क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? मुझसे दिल नहीं लगा? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। तुम्हारा यही मतलब है रमीज? मैं सब जानती हूँ तुम किसी और के चक्कर में हो। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रही हो तुम, मैं किसी और के चक्कर में नहीं हूँ। देखा, तुमने कबूल कर लिया, आखिर मुझे पता था ना कि तुम किसी और चक्कर में हो। उफ़ रिजा, क्या हो गया तुम्हें? मैं इसके चक्कर में नहीं हूँ। कौन है वो चुड़ैल, नाम बताओ। यार मैं वैसे चुड़ैलों के नाम नहीं जानता, बड़े अजीब और गरीब होते हैं। अब समझी तो तुम यकीनन मम्मी के कहने पर अमल कर रहे हो। अरे बीच में मम्मी कहाँ से आ गई? वो तो कब से हमारे बीच में रह रही है और तुम उन्हीं के कहने पर अमल कर रहे हो। अरे क्या मुझ में आवाज का सेंसर लगा कि वो जो कहेंगी मैं वो करता जाऊंगा? मुझे सच सच बता रमीज, तुम किसी दूसरी लड़की के चक्कर में हो ना, मुझसे छुप कर तुम मम्मी के कहने पर शादी करना चाह रहे हो दूसरी, है ना? कब, मुझे क्यों नहीं पता भाई? तुम तो बातें भूल जाते हो इसलिए नहीं पता तुम्हें। तुम तो वो भी भूल गए। वो क्या? वही जो याद रखना था। फिर याद क्या रखना था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा यार? नहीं याद आएगा, बस उस पर ध्यान दो। उस पे? किस पे? जिस पर तुम और तुम्हारी मम्मी दे रही हैं, मतलब दूसरी शादी। अरे रिजा ये मेरा प्लान नहीं है, तुम यकीन करो। तो तुम्हारी मम्मी का तो है ना, बस रहने दो, जो मम्मी कह रही है ना वही होगा। हाँ ये तो है, वो घर की बड़ी है ना। बस रहने दो रमीश, देख ले मैंने, तुम तो मेरे रही नहीं, देखा है मैंने अच्छी तरह से। नहीं रिजा ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अरे जाओ रमीश, जो शख्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज भूल जाए उससे बंदा क्या उम्मीद रखे। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है क्या, मुझे तो बताओ। मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही वो बात? अरे यार मैं सोच सोच के पागल हो गया हूँ। बस मैंने सोच लिया, तुम अब मेरे नहीं रहे। ये सोचा है? हाँ, अब जो थोड़ी देर में तुम्हारे साथ होगा ना उससे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, समझे तुम? छोटी छोटी बातों पे हद हो गई यार, मुझे याद क्या करना था यार, सर फट जाएगा। मम्मी, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। मम्मी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ होने वाला है मेरे साथ। तेरी तबीयत तो नहीं खराब होने वाली? नहीं मम्मी, मेरे साथ यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। अब पुत्र तेरा रिजा से ब्याह हो गया, इससे पैड़ा भी कुछ हो सकता है? अरे मम्मी वो रिजा कह रही थी, अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, मतलब मेरे साथ जो होगा वो बहुत ही अजीब होगा। और क्या करने वाली है वो, गुंडों से कुटवाएगी तुझे? पता नहीं मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे, गुंडों से? नहीं वो रिजा है ना उससे। ओए जन मुरीदा है, अपनी बॉटी से डरता है, बुजदिल जा ना हो तो। कहीं का नहीं, यहीं का। मम्मी रिचा जो है ना वो बहुत गुस्से में है। किस बात पे, कि वो यहीं कहीं है? अरे नहीं मम्मी, ये कि मैं कोई एक अहम बात भूल गया हूँ, पता नहीं। तो पूछ ले उससे कौन सी अहम बात है। वो बता ही नहीं रही, वो कह रही है तुम्हें याद क्यों नहीं है। और पागला, वो याद कराएगी तो तुझे याद आएगा ना। उसने तो ये याद दिलाया कि मेरी शादी हो रही है। हैं, तेरी शादी हो रही है? कब, किससे? हाँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि उसे कहाँ से पता चला। मतलब तुझे पता है कि तेरा ब्याह हो रहा है? नहीं मम्मी मुझे नहीं पता, उसे कहाँ से पता चला। वो कह रही है कि तुम मम्मी के कहने पे अमल करो। हैं, ये मैंने कहा था कि तेरा किसी से ब्याह हो रहा है? आप तो कहती रहती है ना, उसने सुन लिया होगा कहीं। कहा है तो फिर ठीक ही होगा, वो चड़ेल जी धंधों के नीचे तुझे दबा के रखती है। क्या इसका मतलब, कि आप वाकई में मेरी शादी करवा रही हैं? और करा देती हूँ, अच्छा रिजा की बच्ची से तेरी जान छुटेगी। रिजा की बच्ची भी है, मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं रिजा की बात कर रही हूँ पुत्र। मम्मी वो ठीक तो है ना? मुझे तू नहीं ठीक लग रहा उसके साथ। मम्मी क्या हो गया, हमारी जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं। और सारे अन्य अकल के, उनको क्या पता कि वो कार में क्या सलूक करती है तेरे साथ। आप क्या ये क्या सबको बताएंगे कि मैं रिजा को दबाव में रखता हूँ? रिजा ना होगी, हवा होगी जिसके दबाव में तू रहता है। और बेवकूफा, मुझे किसी से कुछ कहने की क्या जरूरत है, वो रिजा खुद अपने जाल में फंसने के लिए तैयार बैठी है। वो जाल वाल क्या बुन रही है, जाल में कैसे फंसेगी खुद? और कहने की क्या बात है, जो कह रहे तेरे साथ बुरा होने वाला है तो कहने दे उन्हें। ऐसे तो मैं मारा जाऊंगा मम्मी। और क्या होगा, और जो होता है होने दे, जो भी होगा उसमें उस रिजा का अपना नुकसान है, और हमें तो चंगा है ना, मौका मिल जाएगा। अब देख तमाशा में क्या करती। हाँ ठीक कहा आपने, अब देखते हैं होता क्या है। कौन आ गया, देख जाके जुगनू।
आप कौन? मैं दूध वाला हूँ, फटाफट पतीली ले आओ। अच्छा क्यों मजाक कर रहे यार, आप तो वकील हैं। जब पता था तो पूछा क्यों, तुम वकील की ड्रेस को पहचानते नहीं? क्यों भाई, मैं तो बिल्कुल पहचानता हूँ भाई। तो फिर पूछने की वजह क्या थी, मेरे वकील होने पे क्या शक था तुम्हें? अरे नहीं भाई, मैं आपको जानता था, नहीं मैं क्यों शक करूंगा आप पे? तुम यकीनन रमीज हो ना? हाँ जी मैं रमीज हूँ। बस फिर ठीक है, बहुत जल्द तुम मुझे जान जाओगे, पहचान जाओगे और तुम पान खाओगे। नहीं 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 भाई, मैं कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। इसकी क्या वजह है, तुम्हारा मैदा खराब है, हवा खवार है या दिमाग खराब है, क्यों नहीं खाते? अरे भाई मेरा इन तीनों में से कुछ खराब नहीं है भाई। तुम कुछ नहीं खाते तुम तो अब तक जिंदा कैसे हो, मर क्यों नहीं गए? ए, मिस्टर मैं सब कुछ खाता हूँ, फल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, गोश्त खाता हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे मैं कुछ नहीं खाता। जज साहब पॉइंट नोट कर ले, तुम रमीश जो है ये एक नंबर का झूठा आदमी है। ओ भाई आप कमरा अदालत में नहीं खड़े, आप मेरे घर में खड़े इस वक्त। ये शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड, मैं इसके दरवाजे पे खड़ा हूँ। अरे भाई आपके दिमाग है जो दरवाजे पे खड़े, आप तो भाई मेरी दहलीज पे खड़े हैं इस वक्त। मैं तुम्हारी दहलीज पे खड़ा हूँ या लेटू, और इसमें क्या तुम्हें सरोकार क्या समझे, पॉकेट मार? पॉकेट मार? ओ भाई खुदा का खौफ करो, मैं कोई काम नहीं करता, घर में रहता हूँ। इसका मतलब है तुम बेकार हो, यानी एक्सपायर हो, जिस्म का बेजान टुकड़ा हो, काट के अलग कर देना चाहिए। ओ भाई तुम हो कौन? हाँ मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ क्यों आए हो यहाँ? हाँ अब आए ना तुम पॉइंट की बात पे। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी को चाहिए। बीवी को चाहिए? भाई क्या 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 डिलीवर करने आए हो और क्या सामान की लिस्ट लेकर आए हो? मैं कोई बॉलर नहीं हूँ जो डिलीवरी करूँ, मुझे रिजा ने बुलाया, मैं वकील हूँ। तुम्हारा एक संदेशा है। संदेशा है तो आप पार्ट टाइम में डाकिया भी है ना? मेरी वर्दी और डाकिया की वर्दी में जमीन आसमान का फर्क है, और थोड़ी देर में तुम्हारा बेड़ा घर कहेंगे। चलो अंदर। ऐसी थी टोपी टाइट, आ जाओ। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं नादानियां। हो वकील साहब, कार्रवाई शुरू की जाए। मेरे मुवक्किल का कहना है कि मुवक्किल वो ये इसका जिन्न? अरे मम्मी ये अदालत वाले मुवक्किल की बात कर रहे हैं। अच्छा अदालत वाला मुवक्किल, तो इधर कौन सी अदालत लगी है? हाँ वो सही है, कानूनी कार्रवाई में मदाखलत मत कीजिए वरना आपको सजा भी हो सकती है। ऐवी सजा, हम मुजरिम है कोई? आप मुजरिम है, यकीनन मुजरिम है। आपने इस मासूम बच्ची की जिंदगी तो बात बम का किरदार अदा किया आपने, बुड़ इसकी जिंदगी में। ओए होश करो होश, पुत्र देख मुझे बम कह रहा है। हाँ तो धमाका भी तो जोरदार करती है। क्या बोल रही है? हाँ। रिजा तुम्हारा क्या मतलब है कि मम्मी के बम लपेट के घर में घूमती रहती है क्या? जी नहीं, ये पूरी तोप का रुख मेरी तरफ घुमाती है और फिर फायर करती है। अरे अपना मुंह देख ले बंदूक जैसा, जिधर मुंह खोलती है गोलियां चलना शुरू हो जाती है। अरे मम्मी ऐसे तो मत कहिए ना, मैंने ये मुंह देख कर ही तो शादी की थी। बस रहने दीजिए रमीन, आपको सिर्फ मुंह ही याद है और इसके सिवा कुछ नहीं याद है आपको। खामोश, कानूनी कार्रवाई के दौरान बातें नहीं की जाए। लेकिन वकील साहब अगर हम बातें नहीं करेंगे तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? आप भी खामोश रहिए। अच्छा फीस लेनी है कि नहीं? नहीं बोले बोले, आपका आजादी है। और ये वकील आया क्यों है यहाँ, क्या हो रहा है? क्या इनको मालूम नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? नहीं भाई ये तो हमें भी नहीं पता भाई। हाँ मुझे भी नहीं पता है, सब पता चल जाएगा। वकील साहब कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक मैं बारी बारी इनसे तफसीलात ना ले लूं। ओए पुत्र मुझे लग रहा तेरी बॉटी ने हम पे केस कर दिया है। क्या वाकई? वकील साहब तफ्तीश जल्दी से शुरू कीजिए, सीन कम बचे हैं। सबसे पहले आपकी सास की पूछगछ की जाए। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते कैसा होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, मतलब क्या होने वाला क्या है मेरे साथ? जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। अच्छा तुम कैसा चाहती हो भाई? बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें। अरे भाई क्या हो जाएगा मेरे साथ, तुम क्या चाहती हो? वो वकील जो है वो क्या चाहता है, क्या हो क्या जाएगा मेरे साथ? और तुम भूलो ना मेरी चीजें मेरी बातें। अरे रिजा तुम बताओ तो सही डार्लिंग, मुझे क्या याद रखना था? बस इसलिए वकील बुलाया मैंने। तो क्या वो मुझे याद दिलाएगा, वो मेरे दिमाग का इलाज करेगा? वो तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर देगा समझे। तो क्या अभी दुरुस्त नहीं लगा हुआ, टेढ़ा लगा हुआ है क्या? तुम तो हो ही टेढ़ी खीर। अरे रिजा खीर टेढ़ी कैसे होती है, प्लेट टेढ़ी करके ना ऐसे तो खीर भी गिर जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रमीज। अरे भाई मुझे धूप में रखो, मुझे छाँव में रखो, मैं एक ही जैसा हूँ। तुम यहाँ पापड़ जो धूप में रखे छुपाऊँ? अरे यार तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें याद नहीं है क्या? रमीज मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन तुम ना बहुत सारी बातें भूल चुके हो। अगर मैं भूल गया रिजा तो मुझे याद दिलाओ ना, मैं भूला क्या हूँ? क्यों याद दिलाऊं मैं, ये तो
तुम्हारा फर्ज है कि मेरी हर बात तुम याद रखो। अरे तुम क्या उर्दू का कायदा हो जो तुम्हें सबक की तरह याद रखूं मैं? बस इसलिए मैंने वकील को बुलाया है। क्या वो कंफर्म करेगा कि तुम उर्दू का कायदा हो? नहीं, वो तुम्हारी नानी याद दिलाएगा। अरे नानी नहीं, दादी को याद करवाओ, वो कम याद आती है मुझे ना। सब याद आएगा थोड़ी देर में, अभी तो मम्मी की क्लास ली जा रही है। तो क्या वो मम्मी को ट्यूशन पढ़ाने आया है? देखते जो और क्या क्या पढ़वाते हैं, समझे? वकील साहब, बैतुल खला जाना है। ये बताइए शादी कब हुई? शादी हुई 1965 में। इतने पुराने? और नहीं हो नहीं पाई, वो तो नवे जमाने की पैदावार है। पैदावार? क्या फसल की काश्त की थी? हाय हाय, वे फसल तो बड़ी हरी भरी थी, एक सुंडी ने जिंदगी हराम कर दी हमारी। सुंडी? मैं समझा नहीं। और रिजा ने मेरे पुत्र की जिंदगी खराब कर दी है। यही इल्जाम रिजा लगाती है कि आपके बेटे ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। और झूठ बोलती है वो, हमने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है। उसका ये इल्जाम है कि आपने उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। आप उससे जबरदस्ती जॉब कराती है, आपका बेटा बेकार बैठ रहता है, शक्ल से बेकार लगता है। तौबा तौबा तौबा, वैसे दूसरी बात तो ठीक है कि मेरा पुत्र बेकार ही पड़ा रहता है। बस यही बात है, इसी बात पे तो उसने केस करने का फैसला किया। और केस क्या? ब्रीफ केस, अटैची केस, शो केस, कौन सा केस? डिवोर्स का केस। अच्छा अच्छा, है डिवोर्स मतलब तलाक, खुला? जी, वो खुला का केस दायर कर रही है, उसका हक मेहर 10 लाख रुपए है, लाई दीजिए। ऐसे कैसे निकाले 10 लाख? हम कोई अपनी पॉकेट में लेके थोड़ी घूमते हैं। औरतों के कपड़ों में जेब होती है क्या? औरतों के तो नहीं होती, पर सुने आपकी जेबें बड़ी होती हैं, इनमें बड़े नोट शोट होते हैं हर वेले। देखिए, आप अपने केस पर ध्यान दीजिए, और आपने कबूल कर लिया कि आपका बेटा नाकारा है और टूटा हुआ तारा है। बस टूटा फूटा ही सारा, तो उसको जुड़वाते क्यों नहीं कि रिजा और रमीज की जिंदगी जुड़े और उनकी जिंदगी से मायूसी उड़े। और टीट हो गया, आदि हो गया कुछ ना करने का, तो ठीक हो गया ये। अब तो इस बात में खुला बनती है। ऐसे कैसे बनती है? जिस तरह आप बनती है, जो बन रही है। आप दिली दिल में चाहती है कि रिजा और रमीज अलग हो जाए। आपको कैसे पता चला? बीबी मैं वकील हूँ, मैं बाल की खाल निकाल लेता हूँ। मेरे भी बाल जो है ना, ये 2 मुंह के हो गए, ये देखो इसकी खाल निकाल दो ताकि ये ठीक हो जाए। आप बाल जमा करें, मैं आपके बेटे से निपट के आता हूँ। काश ऐसा ही हो जाए, मेरे पुत्र की जान छुट जाए। वकील साहब, अगर गैस हो रही है तो हाजमे की गोली लेकर आऊं? बसों वाली बातें मत करो, मुझे कह कह कर बात करने की आदत है। हाँ कंडक्टर साहब, आपको बात क्या करनी है आप ये बताएं। अगर बात बढ़ गई तो बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। ऐसी कौन सी बात है वकील साहब? बात दरअसल ये है कि आपकी बीवी को आपसे बहुत शिकायत। मुझसे? मगर मैंने किया क्या है? यही तो परेशानी है कि अभी तक किया क्यों नहीं। किसी के हुस्न का शिकार है, बेकार है, मुसलसल ख्वार है, बेएतबार है। ये झूठ है, इल्जाम है कि मेरी आंखें किसी से चार हैं। आप पर ये भी इल्जाम है कि आपको भूलने की बीमारी है। मुझे और भूलने की बीमारी है? देखा, कबूल कर लिया ना। अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आपको भूलने की बीमारी है। भूल गए क्या है? वैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे भूलने की बीमारी? आपको जो बातें याद रखनी चाहिए वो आप भूल जाते हैं, अहम बातें भूल जाते हैं, अहम तारीखें भूल जाते हैं। ये बात तो है कि रिजा ने मुझे कुछ याद करने को कहा था वकील साहब, लेकिन मैं भूल गया। बस आज से ये साबित हुआ कि आप गुण मगज है और रिजा आपकी बहन है। हैं कि क्या क्या मतलब? मतलब ये कि आप पे खुला का केस दायर किया जाता है, रिजा आपसे खुला मांगती है। लो, मैं कुछ क्या मुझसे खुला चाहती है? मतलब अलहदगी खत्म, फिनिश। हाँ बिल्कुल, मतलब फिनिश खत्म। मैं खुला का नोटिस लेकर आया हूँ। देखिए, मैं देख चुका हूँ, केस की तैयारी तो मैंने की है ना। देखिए, आप वो जो फैसला है ना, उस पर नजरसानी कीजिए। आप मेहरबानी कीजिए, जान छोड़िए रिजा की। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसकी जान? मैं उसका शौहर हूँ भाई। आज से नहीं रहेंगे। अरे ऐसे कैसे रहेंगे, इसमें मेरी मर्जी शामिल है भाई। लेकिन रिजा की मर्जी शामिल है, खुला होके रहेगी। देखिए आप प्लीज कुछ कीजिए। आप कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेहनत मजदूरी कुछ भी कीजिए। वो बहुत मुश्किल है भाई। तो खुला का रुकना भी मुश्किल है, आप जाके रिजा से बात कीजिए। रिजा से बात ना? अभी जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे सामने जाऊंगा, बात कर आऊंगा। जाऊं? ओके। अरे रिजा रिजा रिजा, खुदा के वास्ते तुम ये क्या कर रही हो? तुम हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कुछ भी करो, खुला तो होके रहेगी। नहीं 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 नहीं, खुला नहीं होगी, खुला नहीं होगी।
तुम प्लीज मुझे एक मौका और दे दो रिजा। अच्छा इतने साल शादी को हो गए, अब कौन से मौके की तलाश में हो रमीज? अरे रिजा तुम सिर्फ ये बताओ आखिर मेरी खता क्या है, वजह क्या है, ये खुला की वजह क्या है? तुम हो और क्या वजह हो सकती है खुला की, तुम ही तो हो वजह, तुम हो निखट्टू काम चोर और सब भूल गए। अरे यार क्या भूल गया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इस टेंशन में, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो पहले कौन सा कर रहा था, तुम्हें वो बात याद आई आज के हवाले से? तुमने मुझे याद करने को दिया था ना, बस यही तो याद नहीं आ रहा कि तुमने मुझे याद करने को क्या दिया था। बस यही वजह है कि मैंने वकील को बुलाया है। अरे फिर भी ये वकील आया क्यों है, ये तो हमारे दिल का मामला है, आपस का मामला है ना। दिल छोड़ो रमीज, दिमाग पे जोर दो, जो याद करो तो वो याद करो। याद करूं, दे ताली। नहीं अच्छा वो ड्राई क्लीनर से कपड़े लेकर आने थे है ना? नहीं। हाँ तो तुम्हें चाइनीज पकाना था और मुझे मुर्गी लानी थी। नहीं। हाँ अब याद आ गया, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना था ना। हर किस नहीं, तुमको तो याद ही नहीं है, मैंने वकील से कह दिया कि खुला के पेपर तैयार कर दो, तुम बस इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना। तुम उस वकील के कहने पे ये खामा खा की बात में खुला लेना जा रही हो, इसमें बात है क्या? तुम तो काम करना ही भूल गए, पूरा घर मैं चला रही हूँ, खुला के लिए सिर्फ ये वजह काफी नहीं है क्या? अरे काफी नहीं, काफी गर्म होती है, चाय पिलवा दो, चाय पीते पीते ना मैं सोचता रहूंगा शायद याद आ जाए। मैं सोच चुकी हूँ, अपना फैसला कर चुकी हूँ, दस्तखत करने और वो तुम कर देना। अरे रिजा 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 देखो प्लीज ऐसा मत करो यार। क्या ना करूँ दस्तखत, वो तो मैं कर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हें करने, जल्द से जल्द करो ताकि इस जहन्नुम से मेरी जान छूटे। अरे रिजा 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 अब मुसीबत है यार, याद नहीं आ रहा मुझे, याद क्या करना था। हाय रब्बा चुप कर जाओ, क्या कुड़ियों की तरह टसवे बाहर है, वो चले जाएगी। कौन चली जाएगी, बत्ती? अरे नहीं मम्मी वो रिजा है ना, वो चले जाएगी। और जान दे, पुरानी जाएगी तो नवी आएगी ना, अपग्रेड नवी मॉडल की। नहीं मम्मी नहीं, इतने अरसे मैंने उसके साथ गुजारे, इतनी सी बात पे इतना बड़ा नुकसान नहीं चाहूंगा मैं। पुत्र बात तो उनकी 100% ठीक है, जो हमारे हक में नहीं जाती कि तू नकम्मा हड हराम काम ही नहीं करता। तो क्या करूं मम्मी, हड हराम जो हो गया हूं, इतने अरसे से घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करता मैं, अब क्या काम नहीं होता मुझसे। हाय हाय पुत्र, मेरे ही लाड प्यार ने तुझे बगाड़ के रख दिया, ऊपर से टीट हो गया, ना कोई काम ना कोई हुनर आता है तुझे। इस बात पे क्या खुला बनती है क्या? हाँ पुत्र क्यों नहीं बनती, वो काम करके बेचारी मर जा रही है, तू घर बैठा मस्टंडा ऐश कर रहा है। नहीं मम्मी मम्मी आप प्लीज उसे रोके ना। काम करने से? नहीं खुला लेने से। हाँ तो मत दे लटका। अरे मम्मी वो वकील साथ लेकर आई है, मुझे लटका देगी। हाँ ये तो है पुत्र, वकील लाई इसलिए कि काम उसका पक्का हो जाए। तो आप पकाने ना देना। क्या बिरयानी पका रही है, पुलाव पका रही है, की पका रही है जो पतीले से उतार कर पक गया। मेरे मतलब कि कोई हल, कोई रास्ता ढूंढ लेना। और हल तो ढूंढ ही लूंगी, पर खेत कहाँ है जिसपे हल चलाएंगे। अरे मतलब मम्मी के सलूशन कोई ढूंढ ले। क्यों पुत्र, खुला के पेपर चिपकाने? अरे मम्मी आप प्लीज वकील से बात करें। खुला के पेपर चिपकाने की? वो तो मुझे चिपकने वाले हैं और मुझे ये पता नहीं चल रहा ये क्यों हो रहा है। पुत्र तुझे कुछ याद करना था कि किस बात पे उसको गुस्सा आया था जो नौबत खुला तक पहुंची। हाँ मम्मी पर वो बात क्या है, वो मुझे याद नहीं आ रही। पुत्र याद कर, कोई अहम दिन तो नहीं है? वो मम्मी ये याद आ गया, अहम दिन अब पता चला ये अहम दिन है क्या, मैं बस अभी आया। वे रमीज, वे गुरीले, हाय हाय क्या हो गया मेरे पुत्र को, क्या याद आ गया इसे? तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि यहाँ पुला बनती। ऑब्जेक्शन मिलाट। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया मम्मी। हाँ वकील साहब, मेरे पुत्र को याद आ गया जो इसे याद रखना था, याद आ गया। हाँ वो रिजा, मुझे याद आ गया कि मुझे क्या याद रखना था। अच्छा क्या याद आ गया वैसे? यही रिजा के आज 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 इतवार है। फिटे मुंह, यही पूछना था तो मुझे बता देते, मैं इतने हंगामे के बगैर ही बता देती तुम्हें। हाँ इतवार तो है, लेकिन दिन कौन सा है? दिन इतवार है, संडे। देखिया पुत्र, मेरा पुत्र कितना जहीन है। वकील साहब पेपर निकालिए। इसकी जहानत के सबूत के? जी नहीं खुला के। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। Happy birthday to you, Raja. Happy birthday to you. शुक्र है तुम्हें याद तो है रमीज, तुमने ना हद ही कर दी थी बस। तो तुम क्या समझी मुझे याद नहीं आएगा क्या? अगर मैं से याद नहीं दिलाता तो उसे याद नहीं आता।
हैं दूल्हा भाई? दूल्हा भाई? हाँ, ये मेरी सहेली के शौर्य ने, लेकिन आपने रमीश को याद दिलाया। अरे भाई रिजा, मैंने इन्हें 1000 का नोट दिया और उन्होंने झट बता दिया कि ये जो बहाना चल रहा है खुला वाला का कुछ भी नहीं है। रमीश के बच्चे, तुमने रिश्वत देकर पता करवाया? बाबा मुझे एक ऐड लिखना है और मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। एक काम कर यार, तू ये ऐड लिख दे। तू मुझे क्यों फंसा रहा है? अबे हो सकता है कोई लड़की हो तो तू फंस जाना। 30 सेकंड का इश्तिहार बनाना है। मैं तेरे पास बंदा भेजता हूँ, वो तेरे सर पे बैठ के इश्तिहार लिखवाएगा। देखियो है आ रहा प्यार का।